तो वी एंटर द डेटा इन एस पी एस एस और uh, उसके बाद हमने रन uh, किया सिंपल लीनियर रिग्रेशन ये स्लाइड सारी वैसे ही हैं जो हमने स्टेप बाय स्टेप अभी एस पी एस एस के अंदर किया है तो पहले स्टेप पे हम एनालज uh, में गए हम रिग्रेशन uh, पे गए और हमने लीनियर को चेक किया उसके बाद हमने लीनियर रिग्रेशन में जाके हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सेंड किया और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने डिपेंडेंट में सेंड किया उसके बाद हमने जो तीन मेन्यूज में गए थे वो स्टेटिस्टिक्स प्लॉट्स और दैट्स uh, इट uh, इन दोनों के अंदर हम गए थे स्टेटिस्टिक्स के अंदर जाके हमने डिस्क्रिप्टिव uh, को चेक किया है हमने ये बाई डिफॉल्ट हुए होते हैं और डर्बन वॉटसन को हमने चेक किया है ताकि हमें ऑटो कोरिशन का पता चल जाए या हमें पता चले कि हमारा जो रिजिजल है वो उसके वो कांस्टेंट है कि नहीं है फिर हमने प्लाट्स uh, पे गए और प्लॉट्स में जाके हमने जेड प्रोडिक्टड और जेड रजिजुअल सो हमने जेड प्रोडिक्टेड को हमने एक्स पर भेजा और जेड रेजिजल को हमने वाई में भेजा सो so, ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जेड प्रडिक्टड और जेड रजिजुअल और इसको हम एक्स और वाई के अंदर भेज देते हैं उसके बाद हमने स्टैंडर्ड रुअल प्लॉट हमें बताता है और फिर हमने इसको नॉर्मेलिटी प्लाट को भी चेक किया ताकि हम नॉर्मेलिटी की जम्पन भी चेक कर सकें